सिंगरौली जिले में एनएसईएल कोल ब्लॉक के दूधीचुआ कोल माइंस में एक बुलेरो ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी। देखते ही देखते बुलेरो गाड़ी पानी में बहने लगी और कुएं में समा गई। वहां मौजूद दूसरे बुलेरो वाहन के चालक ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। सिंगरौली में एनसीएल कोल ब्लॉक के दूधीचुआ कोल माइंस के शिफ्ट इंचार्ज पीएन सिंह अपने सहयोगियों के साथ खदान में मशीनों के निरीक्षण के लिए निकले थे। लौटते वक्त सड़क पर बरसात का पानी भरा हुआ था। ऐसा लगा पानी का सैलाब आ गया हो, जिससे उनकी बलेरो तेज बहाव में फंस गई। पानी के बढ़ते दबाव से बलेरो उल्टी तरफ जाने लगी, जिससे गाड़ी में सवार लोग घबरा गए, लेकिन सूझबूझ किसी ने नहीं खोई और बहाव के बीच गाड़ी को छोड़कर कूद गए। इसी दौरान बलेरो पानी के थपेड़ों में फंस गई। ड्राइवर ने उसे बहाव से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन जब गाड़ी पानी की चपेट में आ गई तो ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर खुद को बचाया। इसके बाद बलेरो गाड़ी पानी में बह गई और कुएं में जा गिरी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।